हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, जिसमें हमें कहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक समुच्चय के बारे में बताया था। इसी का पहला पार्ट, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दो हमारे सम है, सम का भाग सम में ही पूरा पूरा जाएगा, विषम में नहीं जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा सवाल, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या हम ये जानते हैं जिसमें उस संख्या का और एक का पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। हमारे पास अभाज्य संख्या दो, अभाज्य संख्या, क्या मैं बात करूं दो, तीन, पांच, सात, डॉट डॉट। इसमें तीन, पांच, सात, आगे की जो भी संख्या आएगी वो सारी की सारी हमारे पास विषम फॉर्म में आएगी। केवल एक ही संख्या ऐसी है जो सम भी है, दो। दो हमारे पास अभाज्य संख्या सम भी है, तो एक सेट मैंने लिए बी इक्वल दो, तो हमारे पास एक सेट आ गया जिसका एक एलिमेंट विद्यमान है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय वह समुच्चय जो रिक्त ना हो, अरिक्त कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स लेस देन फाइव और साथ ही साथ एक्स ग्रेटर देन सेवन हो, यानी एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमें ये पता है कि एक से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। उन्होंने एक्स की वैल्यू, उन्होंने बताई कि एक्स की वैल्यू पाँच से छोटी होनी चाहिए, यानी एक दो तीन चार तक हो सकती है, और साथ ही साथ वो वैल्यू सात से बड़ी भी होनी चाहिए, ये हमारे पास है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो वैल्यू पाँच से छोटी हो और साथ ही साथ सात से बड़ी हो, तो हमारे पास ये सेट पॉसिबल नहीं है, तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, रिक्त समुच्चय। तो हम लिख सकते हैं कि एक सेट ले लिया सी इक्वल रिक्त, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू पांच से छोटी और सात से बड़ी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिक्त समुच्चय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई सजर वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो। समांतर रेखाएं वह रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती है, जैसे मैंने ये दो समांतर रेखाएं खींची, एक ही, इसको चाहो जितना बढ़ा लो, इनको एक ही, इसको मैं बढ़ा रही हूं। एक रेखा है मेरे पास ए बी, दूसरी रेखा है सी और डी, दो समांतर रेखाएं होगी। क्या ये दोनों समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को काटेगी? अगर ये आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को काटती तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलता। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब यहाँ इन दोनों रेखाओं में एक कॉमन बिंदु, यानी कि रेखा ए बी और रेखा सी डी, ये दोनों आपस में जहां मिले वो उसका कॉमन बिंदु कहलाएगा। और जबकि हम ये जानते हैं कि समांतर रेखाएं आपस में नहीं मिलती, अतः ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। तो वाई इक्वल को रिक्त समुच्चय रूप में या फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैं ये लिख सकती हूँ कि ये एक रिक्त समुच्चय है।